नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं डेली न्यूज़ अलर्ट चैनल में आप सभी का। तो अभी बात करेंगे दोस्तों, 6 बड़ी खबरें हैं जो आज रात 12 बजे यानी साल 2019 से लागू हो जाएगी पूरे भारत में। तो अभी तक आपने डीएनए यानी डेली न्यूज़ अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। तो चलो वीडियो की ओर चलते हैं दोस्तों। तो पूरे भारतवर्ष में 2019 कल शुरू होने वाला है, उसमें देखिए कौन से नियम लगे हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और बड़े शॉपिंग सेल्स या शॉपिंग फेस्टिवल का इंतजार करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। हो सकता है नए साल की शुरुआत से आपको ऐसे सेल का ऑप्शन ना मिले और आप कैशबैक और बम्पर डिस्काउंट ना पा सकें। जी हाँ, सरकार ने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिसमें अब कोई भी कंपनी खास रियायत नहीं दे सकती है। ऐसे में कैशबैक, एक्सक्लूसिव सेल या किसी पोर्टल पर एक ब्रांड के लॉन्च, अमेजन प्राइस और फ्लिपकार्ट एश्योर्ड जैसी डील्स या किसी तरह की खास सेवा देने में अब कंपनियों को परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में ये बड़ी खबर है, जिसके अंदर देखिए अभी बड़ौदा पुलिस का संस्कारी फरमान जारी हुआ है, जिसमें छोटे कपड़े पहनने के लिए रोक लगा दी है दोस्तों। 30 दिसंबर की रात से यानी 2 जनवरी तक के लिए रोक लगाई गई है। 2 जनवरी तक कोई भी छोटे कपड़े नहीं पहन सकेगी महिलाएँ। तो यह एक बड़ी खबर है दोस्तों, जो कि ध्यान में रखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दिल्ली में दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने हेलमेट के मानक तय कर दिए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हेलमेट बनाने वाली कंपनियों को 15 जनवरी से इन मानकों का पालन हर हाल में करना होगा। यदि पालन नहीं करते हैं तो उन्हें 2 साल की जेल या 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है दोस्तों। तो ये मानक लागू किए गए हैं हेलमेट के लिए। आगे चलते हैं, और हर सेक्टर में काम करने वालों के लिए बड़ी खबर दोस्तों, इन्हें मिलेगी न्यूनतम मजदूरी और अगर नहीं मिली तो 10 लाख का जुर्माना या 5 साल पर होगा रिवीजन। कर्मचारियों को 8 घंटे से अधिक समय तक काम नहीं करवा सकते। आगे देखिए दोस्तों, केंद्रीय श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने सभी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेज लागू करने की सिफारिश की है, चाहे वह सेक्टर सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त हो या नहीं। संगठित हो या असंगठित, सभी सेक्टर के लिए मिनिमम वेज लागू होंगे। न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वाले नियोक्ता को 10 लाख रुपये तक बतौर जुर्माना देना पड़ता। किसी भी सेक्टर के कर्मचारियों से 8 घंटे से अधिक समय तक काम नहीं लिया जा सकेगा। अर्जेंट वर्क के नाम पर भी कर्मचारियों को नहीं रोका जा सकेगा। अनुभवी एवं फ्रेशर्स दोनों के लिए समान वेज नहीं होंगे, अनुभव को महत्व दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये केंद्रीय श्रम मंत्रालय का बड़ा खबर है, जिसमें कर्मचारियों का हित देखा गया है दोस्तों। आगे चलते हैं, बड़ी खबर स्टेट बैंक की, जिसके अंदर स्टेट बैंक में अगर आप फ़ोन पर SMS पर KYC संबंधी अपडेट पा रहे हैं तो KYC ज़रूर करवा लीजिए। अगर KYC नहीं हुआ तो अकाउंट आपका बंद किया जा सकता है। तो स्टेट बैंक की ओर से बड़ी खबर, SBI ग्राहकों को जल्द करना होगा ये काम, अगर KYC नहीं करवाया तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा दोस्तों। ये बहुत बड़ी खबर है, ये अभी 2019 में लागू होने वाला है, यानी SBI की बड़ी खबर। आगे देखिए, CBIC ने हाल ही में कहा था कि बैंक ग्राहकों से कई GST नहीं लगेगा। इन सेवाओं में ATM से कैश की निकासी, चेकबुक जारी करना, कार्ड आदि शामिल है। इन सेवाओं में अतिरिक्त बैंक ग्राहकों कुछ ऐसी सेवाएं भी देते हैं। क्रेडिट कार्ड के बिल का देरी से भुगतान होता है, GST के देय होगा। आम आदमी को हवाई जहाज की सवारी कराने के लिए पुराने मोदी सरकार ने पिछले 9 माह में 50 शहरों के बीच सस्ती उड़ान सेवा शुरू की है। सरकार की ओर से इन शहरों की लिस्ट जारी करते हुए कहा गया कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के दूसरे चरण में 50 रूट्स पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इससे पहले चरण में 70 रूट्स पर ऑपरेशन शुरू किया गया था, यानी कि अब तक 140 रूट्स पर सस्ती हवाई यात्रा शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार के द्वारा किया गया बड़ा काम।
अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप के शौकीन हैं तो देखिए, फेसबुक व्हाट्सएप के निजी चैट मैसेज वीडियो पर होगी सरकार की नज़र। नया कानून आ रहा है दोस्तों अगर फेसबुक व्हाट्सएप के लिए। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है जिसमें सभी खुफिया एजेंसियों को लोगों के निजी कंप्यूटर में मौजूद डाटा पर नज़र रखने और जांच का अधिकार दे दिया गया है। सरकार के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत यदि एजेंसियों किसी भी संस्थान या व्यक्ति पर देश विरोधी गतिविधियों में संदेह होता है तो उन कंप्यूटर में मौजूद सामग्रियों की जाँच हो सकती है और उन पर कार्रवाई कर सकती है सरकार। तो ये एक बड़ा फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए। आगे पासपोर्ट के मामले में न्यूज़ है दोस्तों। पासपोर्ट सरकार लाने जा रही है चिप वाले ई पासपोर्ट, तो नकली पासपोर्ट बनाकर देश से नहीं भाग पाएगा कोई भी। तो दोस्तों पासपोर्ट में अब बड़ा बदलाव होने वाला है 2019 में। ई पासपोर्ट के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, जल्द ही आपके पासपोर्ट बदलने वाले हैं दोस्तों। विदेश मंत्रालय चिप वाले ई पासपोर्ट जारी करने जा रहा है और बेहतर प्रिंटिंग में पेपर क्वालिटी होगी। इस पासपोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग नासिक के आईएसपी में होगी। इसके आईएसपी को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्य खांचा और ऑपरेटिंग सिस्टम लेने के टेंडर डालने की अनुमति दी गई है। इस प्रक्रिया पूरा होते ही पासपोर्ट बनाए जाने का काम शुरू हो जाएगा। यह विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है दोस्तों खबर। आगे जानिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने महिला पेंशन योजना में 60 वर्ष की आयु सीमा समाप्त करने की घोषणा की है। 2011 की सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र परिवारों को राज्य सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित करने की घोषणा की। अटल जी की जयंती के अवसर पर मंगलवार को लोक भवन में महानायक अटल विचार गोष्ठी आयोजित की गई। विचार गोष्ठी के संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 60 वर्ष की उम्र से अधिक आयु की निराश्रित महिला को ही पेंशन देते थे, तो अब ये बढ़ा दी गई है दोस्तों। सरकार ने सभी हवाई अड्डों को किसी भी सूचना के बारे में जानकारी देने के लिए उद्घोषणा सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा में करने का निर्देश दिया है। स्थानीय भाषा के बाद हवाई अड्डों को हिंदी और अंग्रेजी में करनी होगी। इस बारे में नगर विमान मंत्री सुरेश प्रभु ने निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय विमान पतन प्राधिकरण AAI ने अपने नियंत्रण वाले सभी हवाई अड्डों को निर्देश दिया है कि वे पहले स्थानीय भाषा में कोई सार्वजनिक घोषणा करेंगे, उसके बाद ही और हिंदी और अंग्रेजी में होगी। नगर विमान मंत्रालय ने निजी हवाई अड्डे प्रचालकों से भी कहा है कि उन्हें सब सार्वजनिक घोषणा स्थानीय भाषा में करनी होगी। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर है जो दी गई। तो दोस्तों बढ़िया लेटेस्ट न्यूज़ के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए DNA से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।